आज ही सब ठीक कर दिया जी। हाँ यशोदा, हमारे लल्ला ने तो कृष्ण को भगा दिया। मुझे लग रहा था कि कहीं महारानी कृष्ण को अपने साथ न ले जाए। ये तो प्रभु की कृपा ही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो स्वयं ही चली गई। कुछ भी कहो, हम पर बार बार संकट के बादल मंडराते हैं, परंतु हर बार हमारा लल्ला बादल को हटा देता है। क्यों ना हो जी, मेरा लल्ला है ही इतना पराक्रमी, और वो भी इतनी छोटी सी आयु में। मेरा लल्ला मित्र बाणस, सुना सुना गुप्तचरों का संदेश। हाँ मित्र, सुना सुना तुमने गोकुल में गाय पालने वाले ग्वालों का दुस्साहस। उस कृष्ण ने हमारी धर्मपत्नी केशनी को गोकुल से भगा दिया, और सब कह रहे हैं अब कंस के भागने की बारी है। तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो मित्र। तुम इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो मित्र? हम क्रोधित इसलिए हो रहे हैं मित्र कि जिस कंस से देवता भी भयभीत होकर भागते हैं, उसी कंस को वो नन्ना सा बालक चुनौती दे रहा है, और ये मुझे कदापि सहन नहीं। मित्र, कुछ बातें हमें ना चाहते हुए भी स्वीकार करनी पड़ती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? यही कि भूल जाओ कृष्ण को, इसी से तुम्हें शांति मिलेगी। मित्र, मैंने तुम्हें यहां शांति प्राप्त करने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है देवताओं ने बड़ी कुटिलता से तुम्हारे मस्तिष्क में कृष्ण के बारे में बहुत सी बातें भर दी हैं, जिससे कि तुम कुछ भी शांति से सोच नहीं पा रहे। हो सकता है कि तुम्हारा शत्रु कहीं और पल रहा हो। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। पहले मैं छोटी छोटी बातों से चिंतित हो जाया करता था, भ्रमित हो जाया करता था, परंतु अब कंस भ्रमित होने वाला नहीं है। वो शांत मस्तिष्क से सोचेगा, और समय आने पर अपना और अपनी धर्मपत्नी केशनी के अपमान का प्रतिशोध लेगा। सुन रहे हो ना विष्णु? सुन रहे हो ना विष्णु? सुन 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 नारायण नारायण। सुन लिया आपने दुराचारी कंस को? देवर्षि, भगवान के हजारों कान होते, हाथ होते, आंखें होती, इसीलिए तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान तत्काल भक्त की सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। परंतु प्रभु, ये आततायी कंस तो आपका भक्त नहीं है। देवर्षि, यदि कंस मेरा भक्त नहीं होता तो हर घड़ी मुझे स्मरण क्यों करता? यह एक कर्म है देवर्षि, और आप जानते हैं कर्म का फल होता है। मैं भी उसे उसके कर्मों का फल देना चाहता हूं। बार बार मेरा स्मरण करने वाले, मुझे पुकारने वाले कंस को मैंने सचेत करने का, सजग करने का प्रयास किया, कई संकेत भी दिए। कंस के लिए ही कृष्ण की प्रभुता का साक्षात्कार केशनी को करवाया है। यदि कंस को कृष्ण की दिव्यता की पहचान नहीं हुई तो वो कंस का दुर्भाग्य होगा देवर्षि। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी लीला।
छोटे क्या कर रहे हो? ताऊ भैया माखन कितना जमा हुआ है वो देख रहा हूँ। छोटे माखन कहाँ जमा होगा? मटके से तेरे पेट में ना। चोर कृष्ण कन्हैया बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। कृष्णा मैया को नहीं कहना कि मैंने चुपके से माखन खाया। यही कहोगे तो मैं तुम्हें भी माखन दूंगा, दोनों खाएंगे हाँ बराबर बराबर। तुम अच्छे हो, तुमने मैया को नहीं कहा, अब तुम्हें और खिलाऊंगा, खाओ खाओ खाओ, अच्छा है ना? मीठा है, पता है क्यों? इसमें माँ का प्यार मिला है। लल्ला क्या कर रहे हो? तुमने माखन खाया? तो फिर किसने खाया? उसने? अच्छा तुमने नहीं खाया? माँ देखो ना, कोई माखन चुराने आया है। आप इसे डांटो माँ, बहुत डांटो, फिर ये कभी माखन नहीं चुराएगा। मेरा लल्ला। गोकुल गई थी देव की तुम्हारे पुत्र से मिलने। बहुत सुंदर है, अद्भुत है। कौन? कृष्ण। इतना प्यारा है कि हर कोई चाहेगा कि उसे कृष्ण जैसा पुत्र हो। हाँ देवकी, नंद यशोदा उसे बहुत प्रेम करते हैं। चलना भी सीख लिया है। क्या वो बोलता भी है? हाँ, वो बोलना सीख रहा है। और वो यशोदा को माँ कहकर बुलाता। उसे माखन बहुत पसंद है। हाँ
जानती हो उसे गोकुल में नंदलाला और यशोदा का कृष्ण कहते हैं। ऐसा आचार्य गर्ग का कहना, उसने पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया कि वो उन सबको मोक्ष दे सके जो आसुरी कार्य करते। लल्ला, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम पौधे लगा रही हो और मैं इसे लगा रहा हूँ। पर उससे क्या होगा लल्ला? बहुत सारी गुड़ियाएं आएंगी। प्रभु, पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। कल्याण नमस्ते। आपके बाल रूप के दर्शन से मैं धन्य हुई भगवान, और आपने अपने श्रीचरण मुझ पर रखकर मेरा उद्धार कर दिया। प्रभु, साक्षात शिव जी आकर आपके दर्शन करके गए हैं। आप मेरे द्वार आए हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका आतिथ्य करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास आपको देने के लिए मिट्टी, कंकड़, पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं है। देवी पृथ्वी, आप तो माताओं की माता हैं, आप ही का दूसरा नाम क्षमा है। मानव हो या दानव, आप हर किसी को सहन करती हैं। सदाचारी हो या अनाचारी, धर्मा हो या अधर्मी, दुर्जन हो या सज्जन, पुण्य आत्मा हो या पापी, सब को धारण करती हो, हर किसी का भरण पोषण करती हो। आपकी मिट्टी की सुगंध पृथ्वी लोक के जीवन की सुगंध है। हे माँ पृथ्वी, इसलिए आपकी मिट्टी पवित्र है कि पूरे विश्व को फल, फूल और छाव देने वाले पौधे, वृक्ष सभी इसी मिट्टी से उगते हैं। आपकी मिट्टी मेरे लिए दिव्य भेंट है। इस अमृत मिट्टी को मैं स्वीकार करता हूँ माता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे।
रोटी खाई? काला माखन का। इस सुधा को हमेशा खेल चाहिए यशोदा, कभी काम में ध्यान नहीं होता इसका। क्या कर रही हो तुम सब? लल्ला बहुत चतुर है नंदरानी जी। काम छोड़कर तुम सब लोग लल्ला के साथ ही क्यों खेलती रहती हो? लो नंदरानी जी, मैं तो कहती हूँ कि आपका लल्ला ही हमें काम करने नहीं देता। अब नंदरानी को कोई ये बता दे कि लल्ला ने क्या किया है। क्या किया है? हमें मिट्टी खिला रहा है। उसके हाथ में देखिए, लल्ला मिट्टी स्वयं भी खा रहा है और हमें भी खाने के लिए कह रहा है। हे राम, लल्ला तुम मिट्टी खा रहे हो? लल्ला रुको, लल्ला रुक, लल्ला रुक, लल्ला ये क्या कर रहे हो तुम? लल्ला तुमने मिट्टी खाई? मिट्टी खाई? तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। मिट्टी कभी कोई खाता है भला? क्यों खाए मिट्टी? मुंह खोलो लल्ला। कन्हैया मैं कहती हूँ मुंह खोलो। आपने जो कुछ भी देखा वो सब माया का प्रभाव नहीं था। मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करना सबको प्राप्त नहीं होता। ये सब आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों और साधना के कारण संभव हुआ है। मेरे इस विराट स्वरूप का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही था और प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए मुझे समय समय पर अवतार लेना पड़ा है। देवी यशोदा, मुझे जानने के लिए ज्ञान के स्थान पर भक्ति की आवश्यकता होती है। हे परमेश्वर, ये सत्य है कि मैं आपको जान नहीं सकी। मैंने तो सदैव आपका बाल रूप ही देखा है, इसलिए आपको अपना पुत्र मानकर आपसे व्यवहार किया। मुझे तो केवल एक ही भाव पता है और वो है ममता का भाव। प्रभु, आपने मुझे यह सौभाग्य दिया है कि जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है वही मुझे माँ कहकर पुकारता है। मैं धन्य हुई प्रभु। परंतु क्या? मैं आपकी भक्त रहकर ही आपकी सेवा करना चाहती हूँ। देवी यशोदा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आपकी ये ममता ही भक्ति के रूप में कार्य करेगी, इसी से आपका कल्याण होगा।
यशोदा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देवी यशोदा, नमस्तस्य नमस्तस्य। प्रभु की कृपा से तुम्हें जो उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है, रूपेण संस्थिता, उस पर मैं माया का आवरण डालूंगी, जिससे तुम सब कुछ भूल जाओगे और प्रभु को अपनी संतान मानकर उनकी बाल लीला का आनंद लेती रहोगी। जैसी आपकी आज्ञा देवी योगमाया। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा।